हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माँ और बेटे के बीच वात्सल्य के प्रतीक का लोक पर्व बच्छ 12 शुक्रवार को परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माताओं ने बछड़े और उसकी माँ का पूजन करने के साथ अपने पुत्र को तिलक लगाकर मौली बांधकर लड्डू खिलाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। बच्छ 12 के दिन माताओं ने गेहूं का आटा, गाय के दूध से निर्मित व्यंजनों और चाकू से कटी सब्जियों का परित्याग किया। साथ ही बाजरे की रोटी तथा आखे धान चना मोट की सब्जी खाई। बच्चों ने भी अपनी माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। बच्छ 12 पर पुत्रों की पसंद के व्यंजन बनाए गए और उन्हें उपहार भी दिए। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए किया गया। साथ ही बछड़े वाली गौ माता का विशेष रूप से पूजन किया गया, जिसमें गाय को बाजरे का सोगरा लोया भी खिलाया और ओढ़ना उड़ाकर माँ बेटे के प्यार को निरंतर जारी रखने की कामना की। लोक मान्यता है कि इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजन करने से घर में सुख समृद्धि रहती है और बेटे की लंबी उम्र होती है। परंपरा अनुसार इस दिन महिलाएं अंकुरित धान का भोजन में उपयोग करती हैं, साथ ही चाकू का इस्तेमाल नहीं करती। परंपरा अनुसार इस दिन पुत्रवती स्त्रियों ने व्रत रखा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।